माननीय उपाध्यक्ष जी, आज इस विभाग ने जब ये बिल लेकर आए तब इस बिल में आदरणीय सांसद शशि थरूर से लेकर श्री शिवनारायण वर्मा तक काफी सांसदों ने हिस्सा भी लिया और उनका सजेशंस भी आए। मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं ये 170 साल पुराना ये विभाग ये सामान्य विभाग नहीं है। ये विभाग एक इतिहास की कड़ी है। ये विभाग ये हमारे गौरवशाली सांस्कृतिक इतिहास की कड़ी है। ये डाकिया केवल डाक लाया उस समय था, आज डाकिया उस समय हर परिवार का सदस्य था। वैसे ही 164,000 पोस्ट ऑफिस के जरिए आज हमारी सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इनकी प्रेरणा से हर गांव, हर घर, हर व्यक्ति तक सिटीजन सेंट्रिक सेवाएं दे रही है। सही मायने में हमारी पार्टी की जो फिलोसॉफी है, जो अंत्योदय की हम बात कर रहे हैं, वो अंत्योदय की सही मायने में जो भूमिका होती है, उस भूमिका में अगर सही मायने में सराहनीय भूमिका है अंत्योदय की, तो वो हमारे पोस्टल विभाग की है। और माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कार्य शैली का ये मूल मंत्र रहा है कि वो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। हमारे विभाग ने इन्हीं की एक कार्य शैली को आत्मसात करके हमने पूरे विभाग को टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाया। हमने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो टेक्नोलॉजी के जरिए आज हम ये मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, ये एक बिल इसी रिफॉर्म्स की एक बड़ी कड़ी है। आज भारत की नई पीढ़ी की आकांक्षा अपेक्षा के अनुसार हमारे विभाग ने भी अपने आप विभाग में कई नवाचार शुरू किए हैं और ये नवाचार 2018 से भी काफी नवाचार हुआ। मैंने 2018 में एक विशेष नवाचार किया, IPPB इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक का सर्विस करने के बाद हर गांव में हम लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, वुमन एम्पावरमेंट, युवा के लिए एक तरीके से आने वाले अमृत काल में जो प्रधानमंत्री जी अमृत स्तंभ की बात कर रहे हैं, वो चारों अमृत स्तंभ, चाहे वो महिला की बात हो, चाहे वो युवा की बात हो, चाहे गरीब की बात हो या किसान की बात हो, ये चारों अमृत स्तंभ को सशक्तिकरण करने के लिए हमारे विभाग ने काफी काम किया है। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारे विभाग ने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 3 करोड़ अकाउंट खोलकर आज 1,41,000 करोड़ सेविंग अकाउंट में ये पैसा जमा किया है। हमने महिला सम्मान बचत पत्र में 22 लाख बचत पत्र में 14,000 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने सेविंग किया है। IPPB के आज 8 करोड़ से ज्यादा अकाउंट है और मुझे बताते हुए ये गर्व महसूस होता है कि वो 8 करोड़ में 48% महिलाओं का अकाउंट है। युवाओं के लिए भी हमने काफी काम किया है। आज तक हमने 1,28,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का अवसर प्राप्त किया है हमारे विभाग ने। हमने कई सोशल सर्विस शुरू किए, करीब करीब 400 से अधिक हमने पासपोर्ट सेवा केंद्र इस देश में शुरू किया है। हमने आधार कार्ड सेवा शुरू की है, आज 10 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड हमारी पोस्टल विभाग ने बनाए हैं। हमने डाक निर्यात केंद्र शुरू किया है, DBT के माध्यम से 28 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरी आज पोस्टल विभाग से अपना बेनिफिट ले रहे हैं। 150 से अधिक सिटीजन सेंट्रिक सेवा चल रही है, उन 150 से अधिक 150 से अधिक सिटीजन सेंट्रिक सेवाओं में 90+ सिटीजन सेंट्रिक सेवाएं केवल हमारा विभाग आज देश को प्रदान कर रहा है। और कुछ दोस्तों ने जो सेक्शन 9 और सेक्शन 10 की बात की है, विशेष तौर पे कांग्रेस के साथियों ने, आदरणीय शशि थरूर ने बात की है, तो मैं उनको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 1986 में कांग्रेस की सरकारों ने, उनके प्रधानमंत्री ने यही अमेंडमेंट लेकर आए थे
और ये अमेंडमेंट लेने करने के बाद उन्होंने ये अमेंडमेंट के साथ नया बिल, ठीक है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन हम जब लाएंगे तब हम बात भी कर सकते हैं। सेक्शन 9 और 10 जो है वो ऑलरेडी हमने सबके सामने रखा है कि क्या देश के हित में सेक्शन लगाना चाहिए जो सेफ्टी के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए देश हित में। ये सारे सुधार के साथ एक छोटा सा बिल है लेकिन आने वाले समय में देश हित में, समाज हित में बहुत बड़ा परिवर्तनकारी बिल रहेगा। यही बात करके मेरी बात को समझ करता हूं। मैं आप ये बिल पास करने के लिए सभी सांसदों को निवेदन करता हूं। आपने उसके अंदर भाग नहीं लिया, आपने अपने नहीं, ये ठीक नहीं है, ये आपका इस प्रकार का असहयोग अच्छा नहीं है। आप सब बहुत जिम्मेदार माननीय सांसद हैं, आपको कृपया इस बिल की चर्चा के अंदर भाग लेना चाहिए था, अपने विचार रखने चाहिए थे। प्लीज सभा की कार्यवाही 2:45 तक के लिए स्थगित की जाती है।